हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएससी ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज जो हम कॉर्डनो के कुछ शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं जिनसे हमारा काम शॉर्ट में होता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है, उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपको ये कीज़ पता नहीं हो, ये शॉर्टकट पता नहीं हो। जनरल शॉर्टकट होता क्या है कि शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट किसी काम को जल्दी करना शॉर्टकट होता है ना। हम कहीं जाते हैं, हमें रास्तों का पता होता है कौन सा रास्ता शॉर्टकट है। सिंपली यहाँ पर जैसे अगर मैं कोई स्पेलिंग टाइप करूँ यहाँ पर, या मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा शॉर्टकट। अगर मैं मेरी स्पेलिंग शॉर्टकट की गलत होती है तो उसको भी हम शॉर्टकट में ही सही कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे मैंने शॉर्टकट गलत लिखा है तो यहाँ पे नीचे इसने रेड एरर दिखा लिया। जैसे हम इसमें राइट राइट क्लिक करते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिखा देता है, अलग अलग स्पेलिंग दिखाता है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक किया है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर शॉर्टकट नहीं होता तो हो सकता हम बाहर जाते, गूगल में जाते, वहाँ पर सर्च करते, तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता। तो हम जस्ट क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड हमारी स्पेलिंग सही हो जाती है। ओके, अब एक और शॉर्टकट है कि हम बहुत बार क्या करते हैं, हमें अलग अलग कीवर्ड लिखने होते हैं, लेकिन हमने तो एक बार में पूरा कीवर्ड लिख लिया होता है, लेकिन वही कीवर्ड हमें क्या करते हैं, लाइन में लिखना होता है, सिंगल सिंगल वर्ड में लिखना होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है तो हम उसको अगर हम सिंगल सिंगल करेंगे, तो अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं तो आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल टाइप करेंगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम जो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उसी टाइप को अगर हम यहाँ पर सिंपली शॉर्टकट लिखा है, लेकिन अगर हम चाहें कि अगर हमें कोई कहता है कि इसको जो है एच के नीचे एच एच के नीचे वो हमें इस तरह से हमें लिखना है, या कहें कि अलग अलग जो वर्ड है वो अलग अलग होने चाहिए, यानी एक साथ नहीं होने चाहिए, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। या तो आप एंटर मारेंगे, लेकिन अगर कोई कहेगा कि नहीं हमें बिल्कुल अलग अलग चाहिए, ठीक है ना, एस अलग चाहिए, एच अलग चाहिए, ओ अलग चाहिए, तो यहाँ पर हमें दिक्कत हो सकती है। हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को अलग लिखेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से हम एस लिखेंगे फिर कॉपी करेंगे फिर एच लिखेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है कि हम जो पूरे की को क्या करें, अलग अलग कर सकते हैं एक ही बारी में। तो क्या है कि हमें सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल के, ध्यान से सुनना, कंट्रोल के अगर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये सारे वर्डिंग क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगी, यानी कि सारे टूट जाएंगे, मतलब ये पूरे ब्रेक हो जाएंगे अलग अलग अपने स्पेस से, ठीक है ना। तो ये देखिए, इस तरह से जो हम ब्रेक अपार्ट इसको करेंगे, कंट्रोल के जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये जो है अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या सिंपली आप ऑब्जेक्ट में जाकर भी इसमें जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इससे जो क्या हो गया, सारे वर्डिंग क्या हो जाती है हमारी, अलग अलग हो जाती है, कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट, ठीक है ना। ओके, एक था ये, दूसरा हमारा शॉर्टकट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो अलग है, इससे बिल्कुल हट गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा शॉर्टकट की है उस पर अब हम जाते हैं, ये आपको समझ आ गया, ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के, ठीक है ना। तो अगर इसको डिलीट कर देते हैं ना, दूसरा जो हमारा जो शॉर्टकट की है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और ये जो हर काम को काफ़ी इजी कर सकता है। ये जो हमारे जो ये वाली की है, जो ये शॉर्टकट है, ये हमारा अलाइनमेंट के बेस पे होने वाला है कि हम अलाइनमेंट किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने अलग अलग इनको कर रखा है, ठीक है ना। अगर हम इन्हीं चीज़ों को क्या इक्वली करेंगे, एक लाइन में करेंगे, तो मुश्किल है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम एक साथ इनको करना चाहें हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो या तो आप सिंपली सबको सेलेक्ट कर लीजिए, एक कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, उसके बाद जो है सिंपली कीबोर्ड से क्या करना है, हमें सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से ई प्रेस करना है, सिंपल ई प्रेस करना है सेलेक्ट करके। जैसे हम ई प्रेस करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सारे इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ई सेलेक्ट करते हैं एंड ई प्रेस करेंगे, ई प्रेस किया ये सारे सारे इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है बीच में जो गैप है वो कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, हमें क्या करना है, इसके गैप को क्या करना है, एक जैसा करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट और आर जो हम प्रेस करेंगे। जैसे हम शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे तो ये क्या होंगे, ये अगर हम शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे तो ये जो है राइट साइड से अलाइन हो जाएंगे, शिफ्ट आर, ये देखिए, ठीक है ना। आप चाहे शिफ्ट एल भी प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये जो राइट से जो है पूरे अलाइन हो जाएंगे, यानी कि जो बीच में गैप है वो जो है सेम हो जाएगा। ये देखिए, जब से हमने शिफ्ट आर प्रेस किया सारों का क्या हो गया, जो गैप था वो बिल्कुल सही हो गया। ओके, ये तो हो गया ऐसे में, अगर हमने जो है ये तो इक्वली में जो हमने अलाइनमेंट कर लिया, ठीक है ना। नाउ अगर हमें हमें जो इक्वली नहीं बल्कि हमें सेंटरली अगर हमें एक जैसी लाइन करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर हम
लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हमें इक्वल करना होगा, लेकिन अगर अगर हमें ऊपर से नीचे करना होगा तो हमें जो है इक्वल नहीं करना। अगर वहाँ पे हम ई प्रेस करेंगे तो ये जो है पूरे एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अगर अगर हमें इनको अलाइनमेंट अब अगर हमें इनको अलाइनमेंट करेंगे तो हमें ई प्रेस नहीं करना है, हमें जस्ट सी प्रेस करना है। ई प्रेस करना तो ये इस तरह का हो जाएगा, लेकिन अगर हम सबको सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे, सबको सेलेक्ट करना है सी प्रेस करना है तो ये पूरा सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा इस तरीके से, ये देखिए। लेकिन अब इनके बीच में क्या है, गैप जो है प्रॉपर नहीं है, यानी किसी में ज़्यादा किसी में कम है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंड ए। जैसे हम शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे ये क्या होएगा कि इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। तो हम जो सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए कर लीजिए, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए एंड शिफ्ट और ए प्रेस कीजिए। जैसे हम शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो गैप बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सही से हो जाएगा, शिफ्ट और ए। ये देखिए जैसे हमने शिफ्ट और ए प्रेस किया बिल्कुल गैप जो एकदम प्रॉपर हमारा आ गया। तो ये होती है काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमें आनी चाहिए होती है। ओके सो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगले जो हमारा शॉर्टकट है उस पर हम जाते हैं। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से जो है देखना और इनको जो अपनी कॉपी में कहीं पे लिख देना या अपने दिमाग में इनको बिठा दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। ओके सो ये हो गया है, ये भी हो गया है। ओके नाउ अब जो है हमें क्या करना है, अभी इनकी तो हमें कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन अभी जो हमारी अगली शॉर्टकट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हमें जो इसके यूज़ की ज़रूरत हो सकती है। सो अभी इनको जब हम साइड रखते हैं। ओके नाउ इसी में हमें एक चीज़ करनी है, अगर हम हमें क्या करना है कि हमें जो है अपने अलाइनमेंट को सही रखना है, लेकिन हमें चीज़ों को साइड करना है, लेकिन जब हम उनको साइड करें तो हमारा अलाइनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए काफ़ी शॉर्टकट की है कि हमें जो एक बार अपने एक बारी में क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्ट उसको लाना है एक साइड में, बाकी जो ऑब्जेक्ट उनमें सिर्फ कंट्रोल आर प्रेस करना है इस तरीके से। कंट्रोल आर प्रेस करना तो ये बिल्कुल रिपीट होएगा और जहाँ पे उसके एक्चुअल जो उसकी जो उसका एक्चुअल प्रेस था उसी में वो जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमने रखा इसको, उसके बाद क्या करेंगे हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये उसी के उसी जगह जाएगा जहाँ पे पहले था, इस तरीके से कंट्रोल आर, तो ये बिल्कुल उसी जगह चला जाएगा। यानी कि जहाँ पे हम एक चीज़ अपनी रखेंगे अगर बाकी चीज़ें हम वहीं पे रिप्लेस करेंगे, यानी कि वहाँ पे हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये वहीं पे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर आपने सिंपली कोई लोगो बनाया है और उसके बाद आप उस लोगो को दूसरी जगह रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल आर प्रेस करना होता है। यानी कि एक बार हमने उसका एक ऑब्जेक्ट साइड में रख दिया, उसके बाद हम सारे ऑब्जेक्ट पे अगर कंट्रोल आर प्रेस करते रहेंगे तो बिल्कुल उसी जगह पे दोबारा रह जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। ओके इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट। नाउ अब जो हमारा दूसरा शॉर्टकट है, काफ़ी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग जो इसका यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे जो इसको मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पे हम कंट्रोल आर का जो है यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको छोटा करेंगे पहले। सो इसको जो हम इसको यहीं पर इसके अंदर हम इसको लाएंगे तो इसको सेलेक्ट कीजिए। सो इसको यहीं पर रहने देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ एंड इसको शिफ्ट के साथ, दोनों को शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट है, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ सब सी से सेंटर हो जाएगा, सी और ई प्रेस करेंगे, सेंटर एंड इक्वल, सी से सेंटर ई से इक्वल। सो ये अभी इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा छोटा वाला सर्कल है इसको क्या करना है, जो बड़ा वाला राउंड है उस सर्कल के चारों ओर हमें क्या करना है, छोटे छोटे बॉक्सेस जो है ये छोटा वाला सर्कल जो क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको जो हम इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से इसको राउंड करेंगे एंड बिल्कुल इसके यहाँ पे इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी कर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल जेड। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसके क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ इसको राउंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे, सॉरी रिपीट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट कीबोर्ड से जो है कंट्रोल आर प्रेस करते रहेंगे,
तो कंट्रोल आर प्रेस करते ही ये पूरा रिपीट होता जाएगा बिल्कुल उसी के गैप के साथ में, ठीक है ना। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। सो यहाँ पे बिल्कुल सही से हमारा जो है बिल्कुल आ गया, थोड़ा सा बचा है उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस राउंड डिस्क शेप को जो हम बना सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। इसको डिलीट करते हैं, इन सबको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए। एंड जैसे ही हम ग्रुप करेंगे अब क्या करेंगे, दोबारा से दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दीजिए एंड सी और ई प्रेस कर लीजिए सेंटर एंड इक्वल। तो अब देखते हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही से क्या होता है इसके, बिल्कुल सही ढंग से इसने क्या किया, पूरे सर्कल को जो क्या कर लिया अपने गोलों से घेर लिया, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर ये बनाया। तो ये थी एक शॉर्टकट कि आप जो जस्ट उसके पॉइंटर को क्या कर दीजिए, जहाँ से आपको उसको राउंड करना है वहाँ पे उसको रख लीजिए, उसके बाद सारा कंट्रोल आर प्रेस करते रहिए तो पूरा जो है रिपीट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो कंट्रोल आर होता है वो एक्चुअली में रिपीट का काम करता है। सो बेसिकली ये इतना हो गया। अब यहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं वो है पावर क्लिप का, ठीक है ना। पावर क्लिप आप पता है पावर क्लिप कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ पावर क्लिप कैसे करते हैं एक और तरीके से। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसको मैं जस्ट दूसरा कलर देता हूँ एंड इसको छोटा कर देता हूँ। नाउ एक और कॉपी करता हूँ एंड इस पर जो है दूसरा रेड कलर। सो पहले तो जस्ट हम नॉर्मल जैसे हम पावर क्लिप करते हैं उसी तरीके से दूसरा पावर क्लिप करने वाला क्या है कि हम क्या करेंगे कि इस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड माउस के राइट क्लिक से इसको सेलेक्ट करने के बाद माउस से राइट क्लिक करके सेलेक्ट करना है इसको जो क्या करना है, राइट क्लिक से क्या करना है ड्रैग करना है, ठीक है, राइट क्लिक से ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर हमें पावर क्लिप करना है उसके अंदर, ठीक है। तो माउस के जो है राइट क्लिक से क्या करना है हमें इसको ड्रैग करना है, यानी कि होल्ड करके रखना है इसको जो है ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक से इसको ड्रैग कीजिए अंदर की तरफ। तो राइट क्लिक से इसको अंदर की तरफ हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे जस्ट हम इसको अंदर जाके छोड़ देंगे इस तरीके से, राइट क्लिक से ही छोड़ देना है, यानी कि हमें राइट क्लिक से दबाना नहीं बस छोड़ देना है। जैसे हम छोड़ेंगे इसमें ऑप्शन आएगा पावर क्लिप इनसाइड, तो हम इसको पावर क्लिप कर देंगे यहाँ पे। तो ये एक और शॉर्टकट है जिससे हम पावर क्लिप कर सकते हैं। सो अगर हमें इसके अंदर जाना है तो हम अगर हम चाहेंगे तो हम डायरेक्ट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप में जाएंगे, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट बिना ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे कि जस्ट हम क्या करेंगे कंट्रोल को जो हम क्या करेंगे होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, हम जो कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप किया है उसके अंदर हम क्या करेंगे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है एंड ऑब्जेक्ट के अंदर डबल क्लिक करना है माउस से, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही अब यहाँ पर मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखता हूँ एंड डबल क्लिक करूँगा तो हम जो क्या करेंगे पावर क्लिप के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है यहाँ पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप के अंदर। सो अगर हम पावर क्लिप के अंदर चले गए तो बाहर कैसे आना है उसका भी शॉर्टकट है। उसका शॉर्टकट ये है कि हमें क्या करना है कंट्रोल होल्ड करके रखना है लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के बाहर क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है बाहर क्लिक करना है। तो जैसे हम बाहर क्लिक कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो हम जो है पावर क्लिप के बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये था एक और शॉर्टकट। सो ये हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ओके अब जाते हैं दूसरे वाले शॉर्टकट पे। सो आपको पावर क्लिप का ऑप्शन आ गया समझ में, पावर क्लिप के अंदर कैसे जाते हैं पावर क्लिप के बाहर कैसे जाते हैं। अगर हमें इसकी कॉपी करनी है इस सर्कल की हम जस्ट क्या करेंगे ड्रैग करेंगे राइट क्लिक करेंगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा फास्ट अगर मैं एक तरीका बताता हूँ आपको तो उसका भी तरीका है कि आपको क्या करना है जस्ट इसको ड्रैग करना है जैसे हम ड्रैग करते हैं वैसे ही एंड उसके बाद क्या करना है कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करना है। जैसे हम कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करेंगे ये जो है जस्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आप इसको जहाँ पे रखना वहाँ पे रखिए, बस कीबोर्ड से जो है स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इतनी स्पीड से कॉपी होता है कि आप पूछ नहीं सकते हो कितनी स्पीड से जो है कॉपी होता है, बहुत जल्दी जल्दी आप कॉपी कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करके रखना है, बाकी आपको जहाँ जहाँ इसको जो कॉपी करना है वहाँ वहाँ पे जो है स्पेस बार प्रेस करते रहिए तो ये जो पूरा कॉपी हो जाएगा। कितनी जल्दी कितनी आसानी से हमने इतने सारे कॉपी कर दिए, वरना राइट क्लिक करो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें जो है हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है बच जाता है।
तो ये था। ओके सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज ये था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, एंड बाकी सारे डिजाइनिंग की वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।